ऑपरेशन शीश महल के बाद दिल्ली की सियासत गर्म है। घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन पर हुए बेतहाशा खर्च को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। विवाद के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया था, साथ ही 15 दिनों के भीतर मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। अब आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। पार्टी की मंत्री आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। इसमें आतिशी ने बंगले के दस्तावेज जमा कराने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। मंत्री ने दावा किया है कि एलजी ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकते हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में वह कानून को तोड़कर किसी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं। पीडब्ल्यूडी आतिशी ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है कि उपराज्यपाल का पत्र असंवैधानिक और बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री वह खुद लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी सरकारी कामों के लिए जिम्मेदार है। एलजी द्वारा रिकॉर्ड को जब्त करने और कार्यवाही करने का निर्देश देने वाली यह चिट्ठी न सिर्फ उनके कार्यकाल के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह बाहर है, बल्कि दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को भी दरकिनार करता है, जो लोकतांत्रिक रूप से कामकाज के लिए जिम्मेदार है। वे सीधे किसी अधिकारी को आदेश देकर कानून को नहीं तोड़ सकते हैं। इस बीच वीके सक्सेना ने एलजी हाउस के रिनोवेशन पर 15 करोड़ रुपए के खर्च के आरोपों पर खुला चैलेंज फेंका है। उन्होंने कहा है कि राजनिवास सबके लिए खुला है, कोई भी आकर देख सकता है। ऑपरेशन शीश महल दिल्ली की आप सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। बीजेपी ने कहा कि बिना टेंडर के आवास पर 45 करोड़ का खर्च करना बड़ा भ्रष्टाचार है। सीएम आवास पर यह रकम कोरोना के दौर में खर्च की गई थी। ऑपरेशन में दावा किया गया है कि इस पैसे से सीएम आवास में लाखों के पर्दे, टॉयलेट सीट्स और करोड़ों के मार्बल लगाए गए हैं। टैक्सपेयर्स का पैसा पानी की तरह बहाया गया। अभी तक सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, ना ही उन्होंने रिनोवेट हो चुके अपने आवास को अंदर से दिखाया है। इस बारे में पार्टी ने एक पुराना वीडियो जारी करके सिर्फ यही कहा था कि सीएम आवास में बहुत ज्यादा सीलन थी, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि इसके लिए करोड़ों के मार्बल और लाखों के पर्दे की क्या जरूरत थी। खुद केजरीवाल कुछ साल पहले तक कहते थे कि उनके लिए 4-5 कमरों का घर काफी है। इस बीच वीके सक्सेना ने एलजी हाउस के रिनोवेशन पर 15 करोड़ रुपए खर्च होने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। इसे लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी आप पर तीखा पलटवार किया है। एलजी ने कहा कि राजनिवास सभी के लिए खुला है, कोई भी आकर देख सकता है कि असलियत क्या है। ऑपरेशन शीश महल सीएम आवास पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए से जुड़ा है। इससे सीएम आवास के रिनोवेशन पर अनाप शनाप खर्च का खुलासा किया गया है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार पर हमलावर हो गई है। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।